वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। प्रयागराज का मेरा चेतना पद यात्रा 600 किलोमीटर चलकर आज प्रयागराज के पीडी टंडन तक पहुंची। यहां से अपना दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पहली जनसभा हुई थी। यहां पर थोड़ी देर रुक कर का मेरा चेतना पद यात्रा झांसी से शुरू हुई थी। इसका समापन अपना दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल के 17 अक्टूबर को होने वाली पूर्ण तिथि पर लखनऊ में समापन किया जाएगा। का मेरा चेतना पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों के मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। वहीं पल्लवी पटेल ने कहा कि पीडी टंडन पार्क पहुंचकर ऐसा लग रहा है कि मैं तीर्थ स्थल में गई हूं। यही मेरे पिताजी अपनी पहली जनसभा की थी। यहां उनके और उनके साथ रहने वाले हजारों लोगों के संघर्ष भूमि से जुड़ा है। मुझे प्रेरणा मिलती है कि अगर कमेरा समाज और किसानों की आवाज को बुलंदियों तक ले जाना है तो इस मिट्टी का तिलक लगाना है, तभी किसान और कमेरा समाज की आवाज आगे तक ले जा सकते हैं। यहां आने पर एक नई ऊर्जा किसका संचारण होता है। बढ़ती महंगाई और अपराध पर विपक्ष के चुप रहने पर विपक्ष पर भी निशाना साध। यहाँ आए क्या उसका उद्देश्य और किस लिए आपने पद यात्रा की है? देखिए, पीरी टंडन पार्क जो है हमारे लिए तीर्थ जैसा है और यहाँ की धरती, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी, अपना दल और उनके हजारों साथियों की संघर्ष भूमि रही है। और मुझे ऐसा लगा कि अगर हमें किसान कमेरा समाज की आवाज़ को उस बुलंदी तक पहुंचाना है जितनी बड़ी गर्जना डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी दिया करते थे, तो इस तीर्थ पे आ करके यहाँ की जो मिट्टी है, जो हमारे लिए चंदन समान है, उस चंदन का टीका लगा के ही मुझे आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर मुझे एक नए संकल्प की ऊर्जा का संचार होता है कि मेरे पैर तब तक नहीं थकेंगे जब तक मैं किसान कमेरा समाज की आवाज़ को और उनके हक और अधिकारों को न्याय ना दिलवा दूँ। कमेरा चेतना पदयात्रा डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की एक विचारधारा से जुड़ा। उन्होंने किसान कमेरा मजदूर समाज को भारतीय राजनीति में एक नाम से सम्मान दिया था, कमेरा। और उनकी 11वीं पुण्यतिथि 17 अक्टूबर को हमने इस कमेरा चेतना पदयात्रा की शुरुआत झांसी के इलाइट चौराहे से की है। तब से आज ये हमारा 22वां दिन है। लगभग 500-600 किलोमीटर चलने के बाद हमारा आज का ये सफ़र यहाँ पीडी टंडन पार्क में समाप्त होता है, लेकिन इसके बाद कल सुबह पुनः ये यात्रा यहाँ से शुरुआत करते हुए हम लगभग 21 जनपदों में होते हुए 2200 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए लखनऊ में इसका समापन करेंगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी मुख्य, जिसको लेकर आप ये पद यात्रा कर रहे हैं? देखिए, इस देश की जो पहचान है दुनिया की राजनीति में, वो भारत एक कृषि प्रधान देश के रूप में है। और सबसे बड़ी मुश्किल बात ये है, दुविधा ये है कि इस देश में वही किसान अपनी पहचान ढूंढ रहा है। तो हमारी लड़ाई, हमारी मांग, हमारा आंदोलन सिर्फ उस किसान, मजदूर, बेरोजगार, मेहनतकश समाज को उसके हक और अधिकार दिलवाना है, उसकी आवाज़ को बुलंदगी दिलवाना है और इतना सुनिश्चित करना है कि यदि सरकारें कोई वादा करती हैं तो उसको पूर्णतया निभाया जाए किसानों के प्रति। अगर इस तरह से यूपी में महिलाओं के साथ रेप बलात्कार जैसी घटना हो रही है, उसमें क्या सरकार का? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि सरकारें क्या कर रही हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हर एक मुद्दा जो इस देश की जनता से जुड़ा हुआ है, उसमें विपक्ष को सबसे पहले आगे आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और ऐसे में मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती हूँ कि जो भी मुद्दा मेरे समाज, मेरे सामने आए, जिससे समाज जुड़ा है, जिससे हमारा भविष्य जुड़ा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के आगे चलना, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। देखिए, ये आंदोलन लगातार, जैसे कि मैंने बोला कि 2200 किलोमीटर का है, और इसके बाद भी यदि ये नहीं होता है तो दोबारा हम पद यात्रा शुरू करेंगे। 2022 जो चुनाव है अभी बहुत दूर है, उससे पहले इस देश की जनता और इस प्रदेश में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर उठाया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि सरकारों की कान में जो जू नहीं रेंग रही है, वहाँ तक ये आवाज़ पहुँच सके। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।